प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और इस बात की संभावना है कि क्या सबसे बड़ा सवाल है क्या फिर से कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। हमारे साथ कुछ पटना के युवक हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन सिर्फ लगाने से ही नहीं समस्या का समाधान होता है। जो डेली कमाते खाते हैं उनको संकट हो जाती है लॉकडाउन से, तो उनके उपाय को देखते हुए अगर लॉकडाउन लगाया जाए भी तो उनकी भी व्यवस्था की जाए और जनहित में जो भी सही है उसका हम स्वागत करते हैं। आपके पास मास्क नहीं है क्या, यही गलती लोग दोहरा रहे हैं? नहीं तो मास्क था बट अभी रखा हुआ जैकेट। देखिए, जो भी मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी आज मीटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, उनको देखिए लॉकडाउन परमानेंट लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। आपको एक मैकेनिज्म लेके आना पड़ेगा कि ठीक है इन सुरक्षा पहलुओं के साथ हर चीज़ खुला रहे, ठीक, एक पैरामीटर तय होना चाहिए। आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ देखिए और भी कंट्रीज़ देखिए, वो कहीं ना कहीं काबू पाया है। क्या बात है कि भारत में दोबारा से फिर ये रिवाइव हो रहा है, तो इस चीज़ को प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों के साथ इस चीज़ को तो लेकर मतलब बात करनी चाहिए कि देखिए परमानेंट तो आप लॉकडाउन नहीं कर सकते, इस पर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, स्कूल बंद है, हॉस्पिटलों में बढ़िया से नहीं, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाइए, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए बजाय के लॉकडाउन। आपको क्या लगता है लोग ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं, अब लापरवाही के चलते लॉकडाउन लगना पड़ेगा? नहीं, लोग की लापरवाही की वजह से लॉकडाउन रोकना नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि हमारे सरकार विफल हैं लॉकडाउन के मामले को लेकर के, क्योंकि और जगह और कंट्री के जो सरकार या बादशाह हैं वो पहले एक माप तैयार किया कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, जैसे जो जो पीड़ित थे उनको एक जगह इकट्ठा किया, उनका जो जो कोरोना पीड़ित थे उनको इकट्ठा किया, फिर बाकी लोग आम लोग अपने स्तरीय से काम जो था वो काम किया। महीने के बाद भी इंतजाम पूरा नहीं हुआ, इतना दिन होने के बाद भी अब तक इस चीज़ पर काबू नहीं पाया हमारा सरकार। हमारा सरकार हर तरह से विफल है। और रही बात लॉकडाउन फिर से लगाने की, लॉकडाउन अगर फिर से लगता है तो हम सोचते हैं कि अभी जो चोरी बढ़ गई है हमारे इधर, इससे और ज़्यादा चोरी बढ़ेगी और लोग भूख के प्यासे ऐसे ही मर जाएंगे लोग। पटना के लोग थे साहब, तो देखे देखिए भी कुछ पुलिस वालों को दिखाते हैं कि यहाँ पे विधानसभा में ड्यूटी लगे हुए लेकिन इनके चेहरे पे मास्क नहीं है, ये बिना मास्क की ड्यूटी करे, और यही लापरवाही जो है आने वाले दिनों में भारी पड़ रही है, जिसके चलते एक बार फिर ये शंका होने लगी कहीं फिर से लॉकडाउन ना लगाया जाए। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।